दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेजल पॉलिप के बारे में, साइनस के बारे में, साइनोसाइटिस के बारे में। अगर आपको कभी कभी ये होता है कि नाक से पानी निकल रहा होता है या फिर नाक जाम हो जाती है, ऐसा लगता है कि अराउंड ईयर स्वेलिंग हो, जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, तो इन सभी को वन बाई वन करके मैं डिटेल में बताऊँगा। इसकी एक बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छे से इसको ठीक कर देती है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेजल पॉलिप्स क्या होता है या पॉलिप क्या होता है। तो जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि जो हमारी नोज होती है, नोज के अंदर कुछ साइनस होते हैं जिसके अंदर एयर भरी होती है, जिससे हमारा जो ये हेड होता है वो हल्का फील होता है। बट कभी कभी ये होता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूकस भर जाता है और जिससे हमारा हेड भारी हो जाता है, और साथ ही साथ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेजल पॉलिप होता क्या है। पेनलेस बेनाइन ग्रोथ ऑन द लाइनिंग ऑफ द नोज आर साइनस। जैसा कि फिगर के माध्यम से दिखाई गई, नोज पे की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर एक सॉफ्ट बेनाइन ट्यूमर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं आउट ग्रोथ हो जाती है। अब ये होता क्यों, इसका कारण क्या है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन काफ़ी दिन से होता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, एलर्जी, ड्रग्स सेंसिटिविटी एंड इम्यून डिसऑर्डर। कहने का मतलब कि बहुत समय से अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपके नोज में हो रहा है, या फिर कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से भी ये हो जाता है। ये मेन इसके कॉज है, बाकी एग्जैक्ट कारण अभी इसका पता नहीं है। दोस्तों, नेजल पॉलिप में जो सिम्टम आते हैं वो ये आते हैं, जो कि फिगर के माध्यम से भी आप डिस्प्ले पे शो हो रहा है देख सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि आपका जो स्मेल होगा, सूंघने की शक्ति होगी, क्षमता होगी, वो कम हो जाएगी। टेस्ट, जो खाना खाते हैं आपको जो टेस्ट मिलता है, वो टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा। आपकी जो नोज है वो हमेशा भरी भरी भारी भारी फील होगा, और इसकी वजह से फ्रंटल हेडेक भी होगा, मतलब कह सकते हैं कि सर में दर्द भी बना रहेगा, और चेहरे के चारों तरफ मतलब आई के आसपास इस रीजन पे स्वेलिंग हो जाएगी। आपको बहुत ही अनइजीनेस, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। कभी कभी पोस्टल नेजल ड्रिप भी होता है, कहने का मतलब पीछे की तरफ पानी का रिसाव होता रहता है, और कभी कभी आगे की तरफ पानी गिरता रहता है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, और कभी सांस लेने में एयर पैसेज जो ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पर जब वो बड़ा पॉलिप बन जाता है जैसे कि फिगर के माध्यम से दिखाए गए, तो ब्लॉकेज हो जाता है, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, और वहाँ पर कभी इन्फ्लेमेशन भी कंटिन्यू होता रहता है, जैसे कि फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों, आपको देख सकते हैं इस वीडियो में, रनी नोज होगा, मतलब पानी नाक से निकलता रहेगा। हमारी जो टेस्ट बर्ड होंगी, जो हमें टेस्ट देती हैं खाने का, वो टेस्ट हमारा बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको नेजल पॉलिप या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, तो इसका बहुत ही अच्छा होम्योपैथी में इलाज है। आप होम्योपैथी की मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, या आपके आसपास जो भी नियरेस्ट डॉक्टर्स हों उनसे कंसल्ट कर लीजिए, तो इसमें बहुत ही अच्छा आपका समाधान है। तो जो मेडिसिन का नाम है वो शेंगोनेरिया नाइट्रिकम्स। होम्योपैथी मेडिसिन को लेना है, इसको दो बूंद सुबह, दो बूंद शाम को सीधा टंग पे डालना है, और 5 दिन तक डालना है। इसके बाद इस मेडिसिन को बंद कर देना और 1 महीने तक वेट करना, आपको 100% रिजल्ट आएंगे गाइस। और इसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता है, तो इसकी पोटेंसी आप बढ़ा दीजिए और डायरेक्ट मुझसे फ़ोन से कंसल्ट कर सकते हैं विदाउट पे। मैं आपको उचित राय और इसका समाधान बता दूंगा। विशेष रूप से इस बीमारी में या किसी भी बीमारी में आपको फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, मतलब 24 घंटे में आपको आधे घंटे व्यायाम, योगा या रनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ में आपको खाने पे विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा कोई खाना ना खाएं जिससे आपको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई ऐसी दिक्कत ना हो जाए जिससे आपको प्रॉब्लम, आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करती, ऐसे खाने को नहीं खाना है। कभी कभी होता क्या है कि किसी को किसी भी खाने से एलर्जी होती है, तो उस खाने को नहीं खाना है, ये आप ही कन्फर्म कर सकते हैं। और इसके साथ में पानी का इंटेक सही से लें, जहाँ पे पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन, वहाँ विशेष रूप से आप ना जाएं, क्योंकि ये एयर की प्रॉब्लम से, क्योंकि कुछ भी पार्टिकल जाएंगे तो यहाँ पे एलर्जी कॉज करेंगे, जिसकी वजह से भी आपके साइनस में प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू सो मच।